हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः नई जानकारी के साथ एसआरपी एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में, जिसका पुनः परिणाम संशोधित आज हाल ही में जारी किया गया है। बात करेंगे इस भर्ती में कौन कौन से प्रश्न पत्र के कौन से प्रश्न विकल्प जो उत्तर है वह चेंज किए गए हैं। इस भर्ती परीक्षा 2018 में जो परीक्षा हुई है उस परिणाम को लेकर कौन कौन से सफल या असफल अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, टंकण गति व दक्षता परीक्षा में कौन से नए अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, कौन से असफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं, और इस भर्ती परीक्षा परिणाम के संशोधित जो अंक तालिका है वो भी अभ्यर्थी कैसे प्राप्त करेंगे। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दिनांक 10 मई 2019, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 पुणे संशोधित परीक्षा परिणाम। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम दिनांक 7 मार्च 2019 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 19 मार्च 2019 16 सितंबर 2018 को आयोजित परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के मास्टर सेट के प्रश्न क्रमांक 15, 16 व 29 के सही जो विकल्प है उनमें परिवर्तन किया गया है। उनमें परिवर्तन होने के कारण अभ्यर्थियों के अंकों का पुनर्मूल्यांकन सही विकल्पों के अनुरूप पुनः किया गया है। इस त्रुटि को दुरुस्त करने के कारण इस परीक्षा परिणाम में पुनः आंशिक संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 16 सितंबर 2018 को आयोजित परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतिम अंतर कुंजी में आंशिक संशोधन किया गया है। इस दिनांक के प्रथम प्रश्न पत्र के मास्टर सेट में प्रश्न क्रमांक 15, 16 व 29 के सही उत्तर के विकल्पों में परिवर्तन किया जाकर क्रमशः विकल्प बी, डी व ए को सही माना गया है। इस कारण पुनर्मूल्यांकन के अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में भी परिवर्तन होने से यह संशोधन किया जा रहा है। इस दिनांक 16 सितंबर 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिनांक एवं प्रश्न पत्र के अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त संशोधन पश्चात पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक 7 मार्च 2019 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 19 मार्च 2019 में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र, पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त इस परीक्षा के द्वितीय भाग अर्थात टंकण गति एवं दक्षता परीक्षा हेतु सफल घोषित नवीन अभ्यर्थियों के रोल नंबर इसमें दिए गए हैं। ये देख लीजिए, इनमें रोल नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा जो मार्कशीट है अंक तालिका वो भी किस प्रकार आपको प्राप्त करनी है इसकी जानकारी भी आगे इस वीडियो में आपको मिलेगी। पूर्व में सफल घोषित किंतु संशोधन के उपरांत इस परीक्षा के द्वितीय भाग टंकण गति व दक्षता परीक्षा हेतु असफल घोषित अभ्यर्थियों के रोल नंबर यहां दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र, पूर्व में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त इस परीक्षा के द्वितीय भाग टंकण गति व दक्षता परीक्षा हेतु सफल घोषित नवीन अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस प्रकार है। ये दिए गए रोल नंबर है वो नए शामिल अभ्यर्थियों के हैं। आगे है, पूर्व में सफल घोषित किंतु संशोधन के उपरांत इस परीक्षा के द्वितीय भाग टंकण गति व दक्षता परीक्षा हेतु असफल घोषित अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी यहाँ दिए गए हैं। अंतिम अंक है 582, 833, 119, 742। इस परिवर्तन के अलावा पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक 7 मार्च 2018 एवं संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 19 मार्च 2019 में अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। उक्त परीक्षा दिनांक को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अपने संशोधित अंक तालिका SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा परिणाम दिनांक 16 सितंबर 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु जारी अंतिम उत्तर कुंजी के मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 15, 16 व 29 के उत्तर कुंजी में परिवर्तन हुआ है। इनके सही उत्तर विकल्प है वो क्रमशः बी, डी व ए है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रश्न पत्र की अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। धन्यवाद दोस्तों,
ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सूचना, लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018, जिसका पुनः संशोधित परिणाम जारी किया गया है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद।